हसी वादियाँ ये खुलासमा आ गए हम कहाँ मेरे साजना। तो स्वागत है दोस्तों आप सबों का झारखंडी राइडर के YouTube चैनल पर, और सभी को गुड मॉर्निंग नमस्ते। आज हम लोग आए हुए हैं एक छोटे से मॉर्निंग राइड पर, और अभी हम लोग हैं सारंडा जंगल के एक छोटे से पार्ट पर। ये ऊंचाई से लगभग 15 किलोमीटर अंदर जंगल की ओर है, और अभी हम लोग ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट के एरिया में अभी हम लोग खड़े हैं। बस यहाँ से पहाड़ शुरू होता है और नीचे में खूंटी डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड लगा हुआ है, तो उसी से आइडिया हुआ है कि यहाँ से अभी खूंटी डिस्ट्रिक्ट हम लोग का शुरू हो गया है। तो चलिए, इस ये जो हमारा झारखंड है, ये पहाड़ों, जंगलों, झाड़ियों, झरनों, ये सब का प्रदेश है। तो इसका जो सुंदरता है, इसका सुंदरता को हम लोग देखने के लिए अभी हम लोग घूम रहे हैं, और ये जगह काफ़ी सुंदर है। इस जगह पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, और हितेश के साथ आया था एक बार। हम लोग गए थे इधर, इस रूट से हिरनी फॉल गए थे, तो उस समय हम लोग इस जगह पे हम लोग रुके थे, और काफ़ी अच्छा लगा ये जगह। यहाँ देख सकते हैं ये जो सीन है, ये काफ़ी सुंदर सीन है। नीचे में एक पहाड़ी झरना या नदी कहें वो बह रहा है, जिसका साउंड हम लोगों को सुनाई दे रहा है। तो काफ़ी प्राकृतिक जगह है, और यही खूबसूरती है झारखंड की। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पहाड़ के दूसरे छोर पर। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है, वेरी सैनिक व्यू। ऊंचा पहाड़, फिर छोटा पहाड़, फिर छोटा पहाड़, और ये जो रोड आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर रोड यहाँ पर बना हुआ है। इस जगह में वेल मेंटेन्ड रोड है, नालियाँ वगैरह सारा चीज़ बने हुए हैं। तो मैं इस सारंडा जंगल के बारे में थोड़ा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सारंडा जंगल जो है, ये लगभग 800 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैला हुआ है, जो कि झारखंड बॉर्डर मनोहरपुर से लेकर के हमारे जमशेदपुर तक ये फैला हुआ है। और यहाँ पर साल मुख्य वृक्ष हैं, साथ ही बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे भी यहाँ पर आयुर्वेदिक मिल जाते हैं। यहाँ का मेन फ्रूट्स हैं जैक फ्रूट, मैंगो, ब्लैकबेरी, ये सारे यहाँ के मुख्य फल हैं। और नो डाउट यहाँ पर बहुत सारे जंगली पशु पक्षी भी हैं, जिसमें हाथी हैं, बाघ हैं, लियोपर्ड हैं, और जंगली भैंसे हैं, सुअर हैं, बहुत सारे हैं। ये जगह एक्चुअली में सरायकेला राज परिवार, सिंहदेव परिवार का ये हंटिंग प्लेस था। यहाँ पर पहले शिकार किया जाता था, लेकिन अभी और शिकार वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि उनका संरक्षण दिया जाता है अभी। तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, और जंगलों से घिरा हुआ आप देख सकते हैं वहाँ पर दूर में पहाड़ में बादल आकर के ठहर गए हैं। तो ये मिनी शिमला जैसा हमको फीलिंग आता है, और ये मेरा सेकंड टाइम है कि जब मैं आया हुआ हूँ। तो काफ़ी सुंदर दृश्य है, आप दृश्य का आनंद लीजिए। और अभी हम लोग थोड़ा देर में यहाँ से हम लोग फिर रिटर्न होंगे, और अगर आपको इस लोकेशन के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप विकिपीडिया में भी आप सारंडा जंगल या सारंडा फॉरेस्ट रेंज आप सर्च करके आप उसके बारे में और विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत ये हमारा जंगल है। ला 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 ला, ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ मेरे साजना। तो दोस्तों, शुक्रिया आप सबों का इस ब्लॉग में अब तक बने रहने के लिए, और
आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, तो थम नहीं भूलना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।